गुड मॉर्निंग एंड राम राम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज का व्लॉग भाई कुछ स्पेशल होने वाला है। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कहाँ जा रहे हैं आज। आज भाई अपना लियो को ये जा रहा है, लियो जा रहा है भाई बात लेने। लियो लियो गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग। देख लो भाई लौंडा बीबी, वैसे तो साफ सुथरा लग रहा है पर फिर भी आज भाई 2024 की पहली बात होने जा रही है लड़के की। मौसम ठीक था तो मैंने सोचा क्यों ना आज लियो को भाई बात पे ले जाते हैं। लियो की जो बात है भाई वो मैं कराता हूँ वेटिक पे, और मुझे ठीक लगती है उनकी सर्विसेज। बाकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, जिसका जहाँ मन करे वहां जाओ वहां कराओ, मुझे ठीक लगता है सब कुछ, तो मैं वेटिक पे ले जाता हूँ। चलते हैं और लियो की करा के लाते मस्त बात, और भाई को 2024 में पहला स्नान करा देते है बल्लू। तो भाई प्यार से मैं लियो को बल्लू बोलता हूँ। बल्लू चले चले बेटा, देख लो भाई लौंडे की किस्मत, स्कॉर्पियो में बैठ के तो नहाने जा रहा है लड़का। चलो तो चलते भाई। लो भाई हमारा लियो फाइनली पहुंच गया भाई। ये है वैटिक और पीतमपुरा ब्रांच है भाई ये वैटिक की। तो अभी बस अंदर चलते हैं और जरा अपने लियो को भाई मस्त चमकवाते हैं, शाइन मारते हैं भाई। उसके बाद नहा के बढ़िया फर बहुत बढ़िया हो जाता भाई, नहा दोगे इसका लियो का। तो चलते हैं। लियो लियो रेडी है बेटा? नहाने से पहले भाई एंट्री करते टाइम ना बड़े ड्रामे करता है कमरे में। इसको पता चल गया कि इस कमरे में निलाते, क्योंकि मैं 4-5 बार यहाँ बात इसको दिला चुका हूँ। तो अभी दिखाता हूँ आपको कितना ड्रामे करेगा ये अभी अंदर जाके। तो ये सारी डिटेल्स हैं भाई, और ये आपको फिल करनी पड़ती है पेट की बाथिंग वगैरह जितनी भी ग्रूमिंग वो स्टार्ट होने से पहले। और ये भाई है यहाँ पे, क्या नाम है यार आपका? राकेश। ये हर बार यही मिलते भाई, और इन्होंने मेरे को पैकेज चिपकाया है यहाँ पे। बात का एक्चुअली पैकेज था एक अच्छा खासा, तो भाई ने मेरे को बताया वो पैकेज ठीक लगा तो मैंने वो ले लिया। She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. ये लियो के लिए टॉवल आया भाई स्पेशल, और इससे काफी क्लीन हो जाएगा पानी इसका सारा ही लगभग। लियो ओए लियो, ये कैसा कलर हो गया तेरा? ना दो के चल हम ट्रायल लगवा पड़िया सर, है ना? हाँ भाई ना लिया लियो, मस्त शाइन मार रहा तो। देख लो भाई पेट की ग्रूमिंग ऐसे होती है प्रॉपर। भाई ने विवेक है इनका नाम, प्रॉपर करी है बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरह से पाल दिए इसको। लियो नो बेटा, और ये भाई अभी नेल्स कट करेंगे इसके।
ये ट्रिमिंग भाई बहुत जरूरी है दोस्तों, आप अपने पेट की ये ट्रिमिंग जरूर करवाना। और आई थिंक ये खुद से करनी थोड़ी सी टफ है, तो प्रोफेशनल लोग करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या है ना, ग्रिप जो है अच्छी मिल जाती है डॉग्स को, तो चलने में और भागने में थोड़ी आसानी रहती है। ये देखो भाई, एक कैट आई है छोटी सी यहाँ, और इसकी भी अभी ग्रूमिंग होएगी। बहुत ही प्यारी सी कैट है, पर्शियन कैट, पर्शियन पर्शियन, ये पर्शियन ब्रीड है भाई। देखो ये क्या परफ्यूम है भाई, लड़के तैयार हो गए तो बिल्कुल ना लोगे। तो ये लो भाई, बिल्कुल नाद हो गए, रेडी हो गया बल्लू अपना, और अब भाग रहा घर की तरफ। चला, ये देखो भाई शाइन मार रहा लौंडा, और अब इसको बिठा देते हैं फटाफट गाड़ी में, नहीं तो यहाँ गंदा संदा हो जाएगा ज़्यादा। ये भाई अपना नाद हो के लियो आ गया गाड़ी में, और बैठ गया आराम से। अब ये सोएगा भाई आराम से ना, घर पहुँचने में हमें लगेंगी 20-25 मिनट, तो इतने ही आराम से सोएगा और अपनी करेगा नींद पूरी। बिल्कुल क्लीन हो गया यार यहाँ के, मतलब अच्छी तरह संतुष्टि हो जाती है मेरी तो निला के ना अपने लियो को। तो अब चलते हैं घर पे। तो दोस्तों ये थी यार आज की वीडियो हमारी, जो लियो की बात करा के लाया हूं मैं, इसका पूरा ग्रूमिंग सेशन था ये बेसिकली। आज मैं सजेस्ट करूंगा कि मंथ में एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार तो जरूर आप भी यार ऐसे प्रोफेशनल बात कराओ, और दो बार हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मैं इसकी यार सर्दियों में, अभी क्योंकि सर्दियों का सीजन था तो 10 दिन में एक बार कराता था, बाकी घर पे मैं इसको डेली क्लीन करता था वेट वाइप्स वगैरह से, तो उससे ठीक है। इसके फर वगैरह भी यार काफी बढ़िया रहते हैं। पर मेरे को लगा जो भी पेट ओनर्स हैं भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेट्स पाल तो लेते हैं बट उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, टाइम की शॉर्टेज कह लो या कुछ भी कारण एक्स वाई जेड, लेकिन मुझे लगा भाई ये शेयर करनी चाहिए उनके साथ, तो भाई मैंने ये वीडियो आज बना दी है। बाकी मेरा और कोई मोटिव नहीं था इस वीडियो को बनाने का। और देख लो भाई कैसे खेल रहा है मस्त, नाद हो गए तो इसके फर ही अलग निकल आते हैं, देखो मस्त बिल्कुल, और बड़ा बड़ा भी लग रहा है आज तो लियो काफी। पूछ इसने अलग ही किली कर ली अपनी दोबारा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैं इसकी बात करा के लाता हूँ, उसमें एक एनल ग्लैंड होता है इनका बेसिकली बैक साइड में, तो एनल ग्लैंड का क्लीन होना बहुत जरूरी है यार। आप घर पे निला लोगे, आपको काफी लोगों को ये नहीं पता होता एनल ग्लैंड का, उसमें एक्चुअली गंदगी हो जाती है थोड़ी सी, तो वो हर 10-15 दिन में क्लीन होना बहुत जरूरी है, एक तरह से इनकी हाइजीन के लिए अच्छा है वो, तो थोड़ा उससे ये बीमारी वगैरह भी कम लगती है डॉग्स को। तो वो सब चीजें यार आप खुद ना करके प्रोफेशनली कराओ तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। बाकी यार मैं नहीं कहता आप पेटिक पे जाओ, आप किसी भी वेट केयर पे जाओ, आप अच्छे से अपना ग्रूमिंग करा के लाओ डॉग्स की यार। अगर आपने पाला है तो यार ऑब्वियसली आप डॉग लवर होगे जब भी आपने पाला ही है, नहीं तो कोई हर कोई नहीं पालता है। बाकी यही था दोस्तों आज की वीडियो के बारे में, और एक बार ओवरऑल व्यू देख लो हमारे लियो का, ये देख लो भाई शेरू हमारा। चलो लियो हेलो करो, हेलो। तो भाई मस्त चमक रहा लड़का है, देख लो आज तो रिश्ते वाले आने वाले इसके, ऐसा हो रहा है लड़का बिल्कुल, खुशबू भी मार रहा है मस्त और चमक भी रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो, जो मुझे लगा थोड़ी सी नॉलेज मुझे शेयर कर देनी चाहिए अपने चैनल के थ्रू, तो मैंने ये वीडियो बना ली। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो दोस्तों होने वाली है, बहुत ही जल्दी एक नई ट्रिप में जाने वाला हूँ, आपको चैनल पे मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। टिल देन बाय बाय एंड राम राम।